बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल जापानी चक्र में खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि जब के हवाले से जब नई मालूमात आती हैं वो मालूमात जाना मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अब मैं आप लोगों के साथ जब के हवाले से एक और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी और आप लोग को बताऊँगी कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, गवर्नमेंट की जानिब से नई जॉब्स का ऐलान करके क्या है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी जॉब की नौकरियां कौन कौन सी हैं, इसमें तालीम और उम्र कितनी है और इसमें आप अप्लाई किस तरह कर सकते हैं। ये सारी मालूमात इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी और अप्लाई करने की मालूमात भी आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप भी सरकारी तौर पर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट जॉब की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने गूगल पर आना है और टाइप करना है governmentjob.pk, ये लिखकर सर्च कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे उसका पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपने सीड आउट करना है, नीचे आ जाना है, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी जॉब पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे कुछ का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। डेट अनाउंस 18 जून, एजुकेशन मैटिंग इंटरमीडिएट DAE बैचलर BBA, लास्ट डेट 3 जुलाई, लोकेशन मियांवाली, वैकेंसीज नेम डेटा एंट्री ऑपरेटर, डिस्पैच राइडर, ड्राइवर, असिस्टेंट अकाउंट्स, असिस्टेंट एडमिन। आपने इन तमाम वैकेंसीज को रीड आउट करना है और नीचे आ जाना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी जॉब की वेबसाइट पर जाना है। जैसे ही आप पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी जॉब की वेबसाइट पर जाएंगे तो एक एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। इसमें आपने अपना नाम, वालिद का नाम, तालीम और बकाया मालूमात पढ़ के अप्लाई कर देना है। आपने इसे रीड आउट करना है और नीचे आ जाना है। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी जॉब की वैकेंसीज नेम टेक्नीशियन, साइंटिफिक असिस्टेंट, असिस्टेंट एडमिन, असिस्टेंट अकाउंट्स, टेक्नीशियन, मैकेनिकल, केमिकल, सिविल। इसमें क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बता दी गई हैं। आपने इन्हें रीड आउट करना है और जॉब के लिए अप्लाई कर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।